Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Guys, come look at this. This is antique. It's my grandma's coin collection. आपको पता है आज के coins किन material से बनते हैं? I have been always fascinated with the history of money. मुझे हमेशा से जानना था कि ये जो पैसा है, ये काम करता कैसे आखिर? पैसे के पीछे के fundamentals हैं क्या? ये जो डिजिटल एसेट्स हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, इनको ऐसी कौन सी चीज़ें खास बनाती हैं दैट दे आर कंसिडर्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. रिसर्च करते वक्त ना मेरे को बहुत ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ें पता चली, सोचा आप सबके साथ भी मैं ये सब शेयर करूं. हेलो हाय नमस्ते, दिस इज़ रिया यादव और शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन हिस्ट्री ऑफ मनी. तो बच्चों, पैसे जिसको तुम आज नोट या सिक्कों की तरह देखते हो वो काफ़ी समय बाद आए. हमारे ज़माने में तो अरे वो क्या कहते हो आजकल के तुम बच्चे, बार्टर सिस्टम हुआ करता था. इज इज द सेम बार्टर दैट वी डिजिटली डू दीज डेज, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स के साथ बार्टर डील साइन करते हैं. हम अपनी रीच और एंगेजमेंट प्रोवाइड करते हैं और ब्रांड्स प्रोडक्ट्स. हाँ ऐसा कह सकते हो तुम, पर तब लेन देन होता था सामान का. बार्टर सिस्टम एक डायरेक्ट एक्सचेंज होता था दो लोगों के बीच में. जैसे कभी तुम्हारे पड़ोसी तुमसे शक्कर, नमक ये सब मांगते हैं और बदले में एप्पल, ऑरेंज दे जाते हैं, ठीक वैसे ही एक सामान के बदले दूसरा सामान. पर भैया इसमें काफी दिक्कतें थी उस जमाने में. ये गाना तुमको सुनाई दिया क्या? अब मान लो मुझे तुमसे बंगला खरीदना है और उसके बदले में मैं तुम्हें अपने घर में उगाए गए ऑरेंज दे रही हूँ. अब तुम कहोगे कि ये कैसा एक्सचेंज हुआ भला, एक घर के बदले में एक ऑरेंज. हाँ एकदम सही बात है, इधर मैं तुम्हें रीच और एंगेजमेंट दे रही हूँ, उधर तुम मुझे स्टोरी में शाउट आउट दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा बाबू भैया? बार्टर या डायरेक्ट सिस्टम में तीन तरह की दिक्कतें थी. पहला था लैक ऑफ स्केल. अगर तुम्हें एक कार खरीदनी है इन एक्सचेंज ऑफ ऑरेंजेस, तो तुम कितने ऑरेंज से खरीदोगे? मुश्किल सवाल है ना ये. बार्टर की सबसे पहली दिक्कत ये ही थी. अच्छा तो अब मान लो अगर तुम्हें बार्टर सिस्टम में इतनी सारी किताबों के बजाय कुछ सब्जियां मिले, वो सारी किताबें थ्रू आउट सेवरल ईयर्स खराब नहीं होंगी, बट ये सब्जी जिसे तुमने एक्सचेंज करा है वो तो चार दिन में ही खराब हो जाएंगी. तो ये किताब बेचने वाले के लिए घाटे का सौदा हुआ ना. डू यू अग्री टू दैट? बताओ, भविष्य से आकर मुझको लूट ले गई. ये सारी किताबें हमारे पुरखों ने दी थी हमें. हाय, बस इन्हीं सब कारणों के वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया. तो बस फिर हम लोग गए ऐसे कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की खोज में जिसके थ्रू लोग आपस में बिजनेस कर सकें, जिसका वैल्यू टाइम, लोकेशन और स्केल के साथ वेरी ना करे. पर ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिलेगा किधर? तब के लोगों ने रियलाइज किया कि वो किसी भी रैंडम चीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज या पैसे की तरह नहीं यूज कर सकते. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको इजीली डिवाइड किया जा सके, इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके और जो लंबे समय तक ड्यूरेबल हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इन सारे फंडामेंटल्स को फॉलो करते हों और बार्टर के इश्यूज को भी सॉल्व करते हों, उन्हीं ही पैसे या मनी की तरह कंसिडर किया जाएगा. इंटरेस्टिंग राइट? लेटर सबने ये समझा कि पैसा सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में भी उसकी वैल्यू होनी चाहिए. मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज किया जा सके. लोग सीशेल्स, रॉक्स ऐसे चीजों को पैसे की तरह इस्तेमाल करने लगे. ऑल्दो सीशेल्स एंड रॉक्स सैटिस्फाइड दी फैक्टर्स सच एज ड्यूरेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, बट दे हैड अनलिमिटेड सप्लाई. इनको फोर्ज करना भी आसान था. क्योंकि सप्लाई डिमांड से ज्यादा थी तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट करना मुश्किल होने लगा था. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने लगे, माइनिंग स्टोन्स एंड अदर मेटल्स बिकेम इजियर एंड हेंस वेल दिस लुक. और बस फिर रॉक्स एंड सी शेल्स स्टार्टेड टू लूज देयर वैल्यू. आपको पता है
16th सेंचुरी अफ्रीका में ग्लास बीड्स यूज होते थे एज फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि अफ्रीका में ग्लास फैक्ट्रीज बहुत कम थी एंड ये ग्लास बीड्स काफी स्कैर्स थे, उनको मनी की तरह यूज किया जाने लगा। पर ये ग्लास बीड्स यूनिफॉर्म साइज के नहीं थे, कोई छोटा था तो कोई काफी बड़ा था, बट दे एनी हाउ यूज देम एज मनी। उस टाइम के दौरान कुछ यूरोपियन एक्सप्लोरर्स अफ्रीका पहुंचे। इन एक्सप्लोरर्स ने रियलाइज किया कि अफ्रीका में ट्रेड करना काफी आसान था, क्योंकि यूरोप में काफी ग्लास फैक्ट्रीज थे एंड देयरफॉर उनके लिए ग्लास बीड्स प्रोड्यूस करना काफी इजी था। उन्होंने चीप में अफ्रीका से चीजें इंपोर्ट करनी शुरू की। ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि ग्लास बीड्स का प्रोडक्शन यूरोप में बहुत ही चीप था, क्योंकि ग्लास बीड्स की प्रोडक्शन सडनली हाई हो गई थी, उसकी वैल्यू स्लोली डिग्रेड होने लगी। ये कंडीशन इतनी डेट्यूरेट हो चुकी थी कि ग्लास बीड्स को स्लेव मनी भी बुलाया जाने लगा, क्योंकि अफ्रीकन से यूरोपियंस ने इतनी सारी चीजें खरीद ली थी, Africans had nothing to sell and eventually plunged into poverty. Interesting and saddening at the same time, right? तो फिर इसका solution क्या था? People gradually started moving away from these forms of money. अब वो metals की तरफ transition करने लगे, क्योंकि metals में वो सारे properties थे जो कि एक store of value में होने चाहिए। अब लोग अलग अलग तरह के metals से पैसे बनाने लगे, क्योंकि उन दिनों metals की mining difficult थी तो उनको स्कैर्स कंसिडर किया जाने लगा। लोगों ने हर तरह के मेटल्स को मनी की तरह यूज किया, कभी कॉपर कॉइन्स बनाए गए, कभी एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड की भी खोज हो चुकी थी उस समय तक और उनके भी कॉइन्स बनाए गए। इवेंचुअली हम सबको पता है कि इट वॉज गोल्ड दैट वन द रेस। वेट, बट अचानक से गोल्ड ही क्यों? Why not any other metal? ये समझने के लिए हमें पहले किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट डिमांड और उसके मॉनेटरी डिमांड के बीच के डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। मार्केट डिमांड बेसिकली उस प्रोडक्ट के मार्केट कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, एंड मॉनेटरी डिमांड ऑन द अदर हैंड इज द डिमांड ऑफ दैट गुड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड के पहले कॉपर कॉइन्स वर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म्स ऑफ मनी, पर जैसे जैसे लोगों ने देखा कॉपर की डिमांड बढ़ रही थी, कॉपर प्रोड्यूसर्स भी मार्केट में बढ़ने लगे, क्योंकि कॉपर को आर्टिफिशियली भी क्रिएट करने के तरीके डिस्कवर किए जा चुके थे, कॉपर की सप्लाई भी बढ़ने लगी। इसकी वजह से कॉपर स्लोली स्टार्टेड टू लूज इट्स वैल्यू। पर गोल्ड के भी कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसकी वजह से इट यूनैनिमसली वन द कंपटीशन। पहला फैक्टर था गोल्ड की केमिकल स्टेबिलिटी। गोल्ड को डिस्ट्रॉय करना नियरली इम्पॉसिबल था। तो आयरन रस्ट होता है, कॉपर को केमिकली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिल्वर नेचुरल एयर में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, मगर गोल्ड जो हजारों साल पहले माइन किया गया था वो हजारों साल बाद भी वैसे का वैसा ही रहता है, गोल्ड कभी करोड नहीं होता। कॉपर और आयरन जैसे मेटल्स को लैब्स में इजीली सिंथेसाइज किया जा सकता था, दैट टू इन लार्ज क्वांटिटीज, पर गोल्ड के साथ ऐसा केस नहीं था। इसका मतलब ये था कि डिमांड बढ़ने पर भी गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड ही रहती है, इसके वजह से गोल्ड के प्राइसेस भी इन्फ्लेट नहीं होते और एक सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम बना रहता है। गोल्ड माइनिंग अपने आप में ही काफी एक्सपेंसिव और काफी एफर्ट वाला काम है। डिमांड चाहे कितनी भी बढ़ जाए, गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड होने के कारण गोल्ड वॉज द मेटल दैट एक्चुअली वन द रेस अमंग ऑल द अदर मेटल्स यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ये सारी प्रॉपर्टीज तो अपने सिल्वर में भी है ना, शायद अपना सिल्वर फिर सेकेंड क्यों, वो भी तो एक रेयर मेटल है। सिल्वर के केस में डिमांड ज्यादा होने पर हम जरूरत से ज्यादा सिल्वर माइन कर सकते हैं। सबसे मेन रीजन था सिल्वर भी ऑक्सीडाइज होता था, जबकि गोल्ड वैसे का वैसा ही रहता था। बाद में सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स भी लैब्स में सिंथेसाइज होने लगे, इसीलिए सिल्वर केम सेकंड इन द रेस। Well, not everything that glitters is gold. उसके बाद गोल्ड कॉइन्स के थ्रू ही बिजनेस कंडक्ट किया जाने लगा। 1870s टू अर्ली 1930s गोल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बैकबोन की तरह वर्क करने लगा। 1717 में ग्रेट ब्रिटेन ने एक्सीडेंटली एक डीफैक्टो गोल्ड स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिया था। सर आइज़क न्यूटन, जो कि उस टाइम रॉयल मिंट के मास्टर थे, उन्होंने सिल्वर टू गोल्ड का एक्सचेंज रेट बहुत ही लो सेट कर दिया था, जिसकी वजह से सिल्वर कॉइन्स वेंट आउट ऑफ सर्कुलेशन। जब 19th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और वो लीडिंग फाइनेंशियल और कमर्शियल पावर बना, दूसरे कंट्रीज को उसका मॉनेटरी सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ा। ये एक पेपर मनी सिस्टम था विच वॉज बैक्ड बाई गोल्ड, मगर गोल्ड स्टैंडर्ड में भी तो कुछ फ्लॉज थे।
इन फ्लॉज की वजह से इस स्टैंडर्ड को अबैंडन करना पड़ा। फिर आया दौर पेपर मनी का। क्या आपको भी जानना है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड को अबॉलिश करना पड़ा और पेपर मनी की शुरुआत हुई कैसे? तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आते ही आप सबको ये पता चल जाएगा। इससे पहले कि हम आपसे हिस्ट्री ऑफ मनी के नेक्स्ट एपिसोड में मिलने का वादा करें, जस्ट एज ऑलवेज ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और सिर्फ आपको मनी और उसके हिस्ट्री के अराउंड एजुकेट करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट एपिसोड में हम गोल्ड के फ्लॉज और पेपर मनी के बर्थ के बारे में बात करेंगे, तो कॉपी पेन और कॉफी लेकर बैठना मत भूलना। अंटिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस।